जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी आज पढ़ेंगे दैट वाई आर स्टार्टअप देखो इंडिया इज नाउ बिकमिंग हब ऑफ स्टार्टअप हर कोई जो है बिजनेस करना चाहता है बट स्टिल देर इज अ प्रपोर्शन दैट प्रूव कि इंडिया में स्टार्टअप जो है फेल हो रहे हैं उनके रीजन जानना बहुत जरूरी है ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कभी भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं बिकॉज दीज आर नॉट सम टेक्निकल क्वेश्चन आर क्वेश्चन दर इन्वॉल्व कॉमन सेंस एंड अवेयरनेस इसलिए ये जो है डिस्कस करना बहुत जरूरी है बिकॉज समबडी ठीक है सबसे पहला आर गिविंग अनरियलिस्टिक डिस्काउंट देखो जो है सोच रहे हैं कि भाई हम डिस्काउंट से पहले क्लाउड इकट्ठा कर लें और फिर जो अपने न्यूट्रलाइज कर लेंगे बट ऐसा नहीं होता बिकॉज आर गिविंग एक्सेसिव डिस्काउंट तो आपके रॉ मटेरियल का आपके स्टाफ मेंबर्स का आपका दूसरे मैनेजमेंट्स का ये सारा फंड कॉम्प्रोमाइज होता है जिसके कारण डिस्काउंट से प्रोडक्ट्स तो बिक जाते हैं बट प्रोडक्ट्स वापस बनाने के लिए आपके पास फंड नहीं आ पाता है ना तो दैट इज वन रीजन मैनी ऑनप्रन आर सक्सेसफुल स्टार्टअप देखो अब सक्सेसफुल स्टार्टअप कंसिडर्ड लाइक एमेजॉन गूगल एन ऑल फ्लिपकार्ट और ये सारी चीजें ठीक है लेकिन इनको इमिटेट करके क्या होगा किसी भी इंसान की कॉपी करके आप उस इंसान ऐसा नहीं बन सकते हो अ कॉपी एंड कॉपीज आर नॉट रिस्पेक्टेड अगर आपको अच्छा बनना है तो आपको ऑथेंटिसिटी लानी पड़ेगी आपको जेन लाना पड़ेगा आप अगर किसी को कॉपी करोगे तो देर आर चांसेजनिंग मेनी businesses, बिजनेस उनको इमिटेट करने के चक्कर में खुद का बिजनेस डुबा लेते हैं मोस्ट ऑफ द फेल स्टार्टअप्स लैक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल ठीक है तो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल क्या होता है कि भाई ऐसा नहीं की तुम्हें एक बार प्रॉफिट हो गया नहीं आपको करते चले जाना है यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट कॉन्जिक्यूटिवली कॉन्स्टेंटली लगातार बिना था कि आपके पास एक ऐसा पूरा प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं बस एक साल तक बिजनेस चल रहा नहीं आगे आने टाइम तक तुम क्या क्या करोगे व्हाट 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 ऑल विल विल द द स्टेप्स अपग्रेडेशन हाउ यू यू कंडक्ट डू एवरीथिंग जब स्ट्रैटेजी नहीं होती है तो चीजें फिर फेल होने लग जाती हैं सम सेक्टर्स आर ओवर क्राउडेड अब बहुत सारी जगह ऐसा है कि भाई कपड़े हैं तो सब कपड़े ही बेच रहे हैं फिर एक ही टाइप के कपड़े कोई ऑथेंटिसिटी नहीं कोई यूनिकनेस नहीं है तो अब जब दस दुकानें हैं सारी की सारी एक जैसे कपड़ा बेच रही हैं तो इंसान एक दुकान में जाके खरीद लेगा बाकी दुकानों में नहीं जाएगा नो बट वुड विजिट योर शॉप बिकॉज इट इज़ नॉट यूनिक आपको कस्टमर अट्रैक्ट करना है तो आपके प्रोडक्ट्स में यूनिकनेस होना चाहिए और आप में कुछ अलग होना चाहिए ऐसा नहीं है कि जो सब कर रहे हैं उसी फील्ड में घुस जाओ उसी बिजनेस में घुस जाओ उसी मार्केट में घुस जाओ नो यू हैव टू बी डिफरेंट ठीक है इंप्लीमेंटिंग वेस्टर्न मॉडल्स इन इंडियन मार्केट नाउ एवरी कंट्रीज मार्केट इज डिफरेंट जस्ट बिकॉज कोई मॉडल यूएसए में सक्सेसफुल हुआ है जरूरी नहीं वो इंडिया में भी because Indian audience and USA audience हो बिकॉज इंडियन ऑडियंस एंड यूएसए की ऑडियंस बहुत वेरी डिफरेंट अनलाइक स्टार्टअप्स इन अदर कंट्रीज इंडियन स्टार्टअप्स आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू वेंचर कैपिटल ठीक है अब वेंचर कैपिटल में क्या होता है आप इन्वेस्टमेंट लेते हो बट वो होता है ना अति की हर चीज़ बुरी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया तो भी दिक्कत है कम इन्वेस्टमेंट आ गया तो भी दिक्कत है अब वेंचर कैपिटल अगर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं तो आपको फोर्स करेंगे आपको प्रेशराइज करेंगे कि भाई ज़्यादा प्रॉफिट भी दो तो वो एक दिक्कत है Next, some are unable to attract investment, जो मैंने बोल था आती कि हर चीज़ बुरी, इन्वेस्टमेंट बुरा और कम इन्वेस्टमेंट भी बुरा तो बहुत सारे स्टार्टअप जो इन्वेस्टमेंट ही नहीं जुटा पा रहे तो भी फेल हो रहे हैं नेक्स्ट कुछ स्टार्टअप्लीमेंटिंग ऑन लार्ज स्केल अब क्या होता है लोगों को ये जानना चाहिए कि पहले उसको टेस्टिंग करो छोटी जगह पे कि आपका प्रोडक्ट एक छोटी जगह पे कैसे रिसीव हो रहा है क्या रेसिप्रोकेशन आ रहा है लोगों के क्या रिव्यूज हैं लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं पहले से एक आइडिया आया और उसको एकदम लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट कर दिया और फिर जब वो फेल होता है तो लार्ज स्केल पे फेल होता है छोटी छोटी टेस्टिंग करो आप अगर उस सक्सेसफुल है तो आप रिस्क लो और बड़ी जगह का और फिर और बड़ी जगह का तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है बट पीपल स्किप दैट लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट करते हैं और फिर इंटायरली स्टार्टअप फेल्स नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द फेल्ड स्टार्टअप्स आर फेल्स बायस विद लैक ऑफ एक्सपर्टीज आजकल क्या है सबको जो है बिजनेसमैन बनना है सबको वो वाली स्टोरी चाहिए कि कॉलेज ड्रॉप आउट किया मैंने तो मैंने खुद पे तो विश्वास किया और मैंने बिजनेस चालू किया और मैं बहुत फेमस हो गया ये स्टोरीज बस सुनने में अच्छी लगती है बट इस स्टोरी को फॉलो करने के चक्कर में लोग इतने ज्यादा डिप्रेस हुए पैसे चले गए सब कुछ लुट गया वाई बिकॉज दे डिड नॉट हैव द एक्सपर्टीज दे वर अ स्टोरी दे वर नॉट वर्किंग अपॉन गेनिंग एक्सपीरियंस तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए आपको लोग चाहिए आपके साथ जिनने करा हो जिनको पता हो आप अकेले कुछ नहीं उखाड़ सकते यू वॉन्ट टू हैव अ टीम यू वॉन्ट टू हैव एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अबाउट एवरीथिंग ये भी एक दिक्कत है अगर आज बना दो तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएंगे तो ऐसे ही बिजनेस आइडियाज भी होते हैं फ्यूचर में अगर वो बिजनेस आइडिया इम्प्लीमेंट करो तो बहुत अच्छा चलेगा बट अगर आज करोगे तो कोई नहीं खरीदेगा तो टाइमिंग बहुत जरूरी है आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी ऑडियंस अभी रेडी है कि नहीं इस बिजनेस आइडिया को ऐसी कुछ स्टार्टअप जो है वो मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं उनका सब अच्छा होता है टीम अच्छी होती है सब कुछ लेकिन वो अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाते लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है है तो मार्केटिंग भी बहुत जरूरी नेक्स्ट वही कॉपी करते जाना किसी ने ये कर दिया तो उसका बिजनेस मॉडल कॉपी कर लो किसी ने ये प्रोडक्ट बनाया तो उसको कॉपी कर लो किसी के कपड़े की ये डिजाइन है तो वही का वही कलर डिजाइन सब कुछ कॉपी कर लो इनोवेशन अगर आपकी चीज में नहीं है बिकॉज अगेन मल्टीपल चीजें कोई नहीं इंटरेस्टेड होगा अगर आपकी चीज़ किसी और की कॉपी होगी किसी और के साथ दिखेगा नो बडी वुड भी इंटरेस्टेड पीपल आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन यूनिक जेन्यन आइडियाज एंड थिंग्स सो इफ यू डू नॉट हैव इनोवेशन इन योर थिंग्स योर स्टार्टअप वुड बी फेल्ड ओनली दीज आर ऑल द थिंग्स इफ समबी आज यू देर मट्टीपल मिलियन मोर रीजन्स बट ये सारे जो थे डिस्कस किए गए बहुत कॉमन थे विच यू शुड नो एंड दैट्स वाई इट वॉज डिस्कस्ड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू अर चैनल चल दन कीप वॉचिंग जय हिंद